गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, हाइड्राइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सेम एलिमेंट्स. इन दिस केस वी डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स. इन केस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ directly proportional to negative inductive effect, directly proportional to negative inductive effect. Negative inductive effect, it means electron withdrawing group. Electron withdrawing group. Inversely proportional to plus I effect, it means electron releasing group. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए, के ए यहाँ पर रहेगा डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड. पी के ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी. पी के ए नेगेटिव लॉग ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड, के बी dissociation constant of base, pKb negative log of dissociation constant of base. इस तरह से हम इसको कर सकते हैं. तो इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना था, माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली, प्लस आई के इनवर्सली, के ए डायरेक्टली, पी के ए इनवर्सली. इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आएगा. क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग एसिड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग एसिड्स. सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पर इस तरह से चलते हैं तो जो ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट इंक्रीजिंग पूछा है, ऑर्डर हो जाएगा थर्ड सबसे कम रहेगा, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, सबसे ज्यादा रहेगा फर्स्ट. एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. क्यों इंक्रीज हो जाएगी? यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये CH3, CCH3, CH3, COOH, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम है. यहाँ पर अगर देखते हैं, यहां पर नो प्लस आई इफेक्ट, यहां पर प्लस आई इफेक्ट नहीं है. इसलिए मोस्ट एसिडिक ये होगा, मोस्ट एसिडिक, लीस्ट एसिडिक इस तरह से होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग. इसमें क्या करना है, यहां पर फिर उसी तरह से हो जाएगा ऑर्डर. क्या आ जाएगा ऑर्डर में, ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है. सबसे पहले फोर्थ, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकंड. तो जब हम इधर चलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर चलते हैं तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रेंथ इंक्रीजेज.
इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, इसलिए मोस्ट एसिडिक ये हो जाएगा और लीस्ट एसिडिक ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग, यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर इन ऑर्डर। अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है, ऑर्डर जब आए डिक्रीजिंग भी हो सकता है इंक्रीजिंग भी हो सकता है, जो भी तुमसे पूछा जाए वो लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे कम है फर्स्ट, उसके बाद आ जाएगा थर्ड, उसके बाद आ जाएगा सेकंड और सबसे ज़्यादा हो जाएगा फोर्थ। यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट फिर से बढ़ेगा, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो माइनस आई इफेक्ट हमने यहाँ पर देखा है, माइनस आई इफेक्ट हमने यहाँ किससे देखा है, डिस्टेंस से देखा है। इधर की तरफ जाते हैं तो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, यहाँ पर नो माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पर ये सेकंड पोजीशन है, यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ पर ये थर्ड पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कार्बन तक, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेबल अप टू थर्ड कार्बन एटम, इफेक्ट एप्लीकेबल अप टू थर्ड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम एंड डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ने पर डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट एसिडिक इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट एसिडिक इन नेचर, यहां पर प्लस आई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जाएगा, यहां पर नो इफेक्ट, यहां पर माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, यहां पर नो इफेक्ट, इसलिए मोस्ट एसिडिक ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज पोलैरिटी ऑफ इंक्रीजेज polarity of OH bond and easily breakdown, इसलिए most acidic रहेगा। Next हम देखते हैं तो next topic हमारा आ जाता है second, acidic strength of hydrides, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कंडीशन है ग्रुप ओनली। जब कभी एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रुप में पूछी जाती है तो ध्यान रखना है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल पी ब्लॉक एलिमेंट, किसे देखना है, साइज से। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ
बढ़ जाएगी। Which of the following? Which of the following is the most acidic? Which of the following most acidic in nature? यहां पर जब हम देखते हैं HF, HCl, HBr, HI. Down the group जब चलेंगे हम साइज इंक्रीजेज, साइज इंक्रीजेज, साइज इंक्रीज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो मोस्ट एसिडिक नेचर एच आई हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक नेचर एच आई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग। एसिडिक स्ट्रेंथ फिर उसी तरह से हमने लिखना है, H2O, H2S, H2SE, H2TE। जैसे ही चलते हैं साइज इंक्रीज होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी।